उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम कर रहे थे यूनिट नंबर अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट की टेक्स बुक एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर वन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री को सोल्व तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू ऑफ योर टेक्स बुक एक्सरसाइज इज ऑफ फॉल्स है या गलत चलते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ द सिंबल फॉर वन एम्पेयर इज वन ए सिंबल ऑफ वन एम्पेयर आपको पता है कि एम्पेयर जो है वो यूनिट है करंट का अगर हमने करंट को मैया करना हो तो हम यूज करते हैं द यूनिट एम्पेयर और वन एम्पेयर को डिनोट किया जाता है मगर यह स्टेटमेंट होगी गलत वो इसीलिए यहां होना चाहिए था कैपिटल ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पेयर को विच इज द यूनिट ऑफ कर रंट इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर वन हमारी होगी गलत और आप इसके आंसर में मेरे साथ लिखेंगे फॉल्स ियल है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दम जितने भी हमारे पास मटीरियल मौजूद हैं उनके अंदर मौजूद होती है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को फ्लो होने देंगे उसकी एक लिमिट है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस अब तमाम मटेरियल्स की यहाँ बात हो रही है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बिकॉज यस ऑल मटेरियल्स हैव मटीरियल है वो रेजिस्ट करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इवन अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कुछ कंडक्टर्स जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंडक्टर्स तो हमारी जो स्टेटमेंट है जो यहां हमें कह रही है कि तमाम मटेरियल्स जो हैं उनके पास रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज एब्सोल्युटली करेक्ट तो आप इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू देन वी हैव स्टेटमेंट नंबर थ्री डो बेल्स ओनली वर्क वेन कनेक्टेड टू अ रिंग मेन आपने रिंग मेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने इस चैप्टर में अब यहां पे लिखा हुआ है कि जो हमारी डो बेल्स हैं, वो सिर्फ तभी काम करेंगी अगर हम उनको कनेक्ट करें टू द रिंग मेन अब ये स्टेटमेंट होगी हमारी गलत वो इसीलिए क्योंकि डो बेल्स को अगर हम किसी छोटे से सर्किट में भी लगा दें तो वो काम कर लेती हैं बल्कि अब हमारे पास मॉडर्न इस एरा में वायरलेस डो बेल्स भी आ चुकी हैं जो कि सिग्नल्स पे काम कर लेती हैं इसका मतलब दैट दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट वाय बिकॉज बेल्स जो है वो वैसे भी काम कर सकती है अगर हम उनको रिंग मेन के साथ कनेक्ट ना भी करें सो वी विल राइट फॉल्स एज एन आंसर टू स्टेटमेंट नंबर थ्री allow a फ्यूज विल ओनली अलाउ अंट ऑफ मोर देन through it. अगर हमारे पास एक फ्यूज है और वो है सिर्फ थ्री एम्पेयर का तो वो अपने अंदर से करंट को अलाउ करेगा वो कितने करंट को अलाउ करेगा of more than three ampere. यहां लिखा है ऑफ मोर देन थ्री एम्पेयर अगर हमारा फ्यूज सिर्फ थ्री एम्पेयर का है तो वो थ्री एम्पेयर से ज्यादा करंट अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा इसका मतलब दैट स्टेटमेंट नंबर फोर इज इन करेक्ट वाई बिकॉज अ फ्यूज ऑफ थ्री एम्पेयर विल ओनली अलाउ द करंट ऑफ थ्री एम्पेयर टू पास थ्रू इट वो थ्री एम्पेयर से ज्यादा करंट अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देगा सो यू विल राइट फॉल्स एज एन आंसर टू स्टेटमेंट नंबर फोर हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट रह गई है ट्रू ऑफ फॉल्स की तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं सो द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रू फॉल्स सेज इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू एटम इन अ वायर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स की अब हमारे एटम का स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि एटम के, के बिल्कुल बीच न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जबकि एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमारा एक एटम जब दूसरे एटम के पास आता है तो बीच में एक रिएक्शन होता है वो ऐसे कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है टू द नेक्स्ट एटम अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी दिस इज नॉट ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी मगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया गया है कि वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी करंट ने फ्लो करना होता है तो वो किस तरह से करती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देती है और वो एटम मजीद आगे इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है दिस इज हाउ करंट फ्लोज तो हमारी स्टेटमेंट नंबर फाइव जिसमें यही कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है इस एप से लूटली करेक्ट तो आप इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर मेरे साथ साथ नोट डाउन किए होंगे अगर आपने नहीं किए तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए आंसर नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए वेल डन स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको एक सर्किट यहाँ पे गिवन है यहाँ आप देख सकते हैं दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ बैटरी बैटरी कनेक्ट हो रही है एंड दिस इज अम्प दिस इज द वायर जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई और एक्स और वाई जो है दीज आर द स्विचेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई एक दूसरे से दूर है इसका मतलब ये जो वायर है ये कम्प्लीट सर्किट अभी फॉर्म नहीं कर रही जब हमारे एक्स और वाई दोनों कॉम्पोनेंट या स्विचेस आपस में मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वायर या फिर डायरेक्टली हम इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तब हमारा सर्किट कम्प्लीट होगा और यहाँ पे जो लैम्प है वो लाइट कर जाएगा वाई बिकॉज जो बैटरी है वो करंट को फ्लो करवाएगी और पूरा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा यू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज स्पेसिफाइड इसीलिए यहाँ पे अभी स्विचे दूर है कनेक्ट नहीं है इसीलिए हमारा लैम्प बंद होगा हम देखते हैं कि इस डायग्राम से मुताल हमें कौन से सवाल पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर वन इज वट इज अ कंडक्टर पहले हमसे ये पूछा गया है कि कंडक्टर होता क्या है आपने दो तरह के मटेरियल्स पढ़े वन इज एन इंसुलेटर एंड द इज अ कंडक्टर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से करंट को पास थ्रू हो लेने देता है एंड द इज एन इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास थ्रू नहीं होने देता तो यहाँ बात हो रही है कंडक्टर की उन्होंने पूछा है वट इज अ कंडक्टर आप इसके आंसर में लिखेंगे अ मटीरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी To pass through it. This is the answer to the first part of question number three. नेसा साथ तमाम answers अपनी notebooks पे note down करते जाएगा. We are moving towards question number two. Which of the following will make the bulb light if connected between X and Y? आपको पता है कि X और Y दो switches हैं या फिर दो points हैं. अगर ये आपस में connect होंगे तभी current flow करेगा और हमारा ये जो lamp है ये light होगा. अगर ये आपस में कनेक्ट नहीं होते तो लैंप भी लाइट नहीं होगा अब यहाँ पे हमें एक लिस्ट ऑफ मटीरियल गिवन है जो कि मैंने सेकेंड बोर्ड पे लिखे आपकी टेक्स्ट बुक पर भी ये मेंशन है हम एक दफा देखते हैं कि वो कौन से मटीरियल्स हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन सा मटेरियल हम एक्स और वाई के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं टू कनेक्ट बोथ ऑफ दीज स्विचेस और इसीलिए ताकि करंट फ्लो कर जाए हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे जो लैम्प है वो लाइट कर जाए तो आपके सामने लिखे गए हैं कुछ मटेरियल्स नंबर वन इज आयरन वायर नंबर टू इज ग्लास रॉड नंबर थ्री इज कि एक प्लास्टिक की फॉर्म है वी हैव रबर एंड द लास्ट इज एलुमियम फॉइल इसमें से जो भी मटेरियल हमारा अच्छा कंडक्टर होगा मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली फ्लो करवा सकता होगा वही एज अ वायर यूज हो सकता है टू कनेक्ट द स्विचेस एक्स एंड वाई हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आयरन वायर को या फिर हम यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को आपको पता है कि ग्लास रॉड जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकती हमारे एक्स और वाई स्विचेस को जबकि पॉलिथिन रबर जो है दे आर एक्सिलेंट इंसुलेटर्स ये यूज होते हैं टू कवर द स्विचेस द एंड ऑफ द स्विचेस ताकि करंट फ्लो ना हो सके और हमारी सेफ्टी के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है एज एन एक्सीट इंसुलेटर तो एक्स और वाई को कनेक्ट करने के लिए हमें तो चाहिए कंडक्टर इसीलिए या तो हम आयरन वायर यूज कर सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को तो मुझे उम्मीद है आपने ये आंसर भी मेरे साथ मार्क कर लिया होगा हम चाह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इज क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ लिखा है बल्ब डज नॉट लाइट स्टूडेंट कनेक्ट कर लिया कॉपर वायर कॉपर इज एन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब उसने एक्स और वाई स्विचेस को कॉपर वायर के साथ कनेक्ट किया तो तब भी लाइट नहीं हुआ हमारा लैम्प वाई बिकॉज अब कोई मसला हो रहा है इस पूरे सर्किट या फिर अपरेटर्स के अंदर तभी हमारा ये जो लैम्प है ये लाइट नहीं कर रहा ऑन नहीं हो रहा बिकॉज हमारा जो कॉपर वायर है ये तो एक्सीन कंडक्टर है इसमें कोई मसला नहीं हो सकता ये इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने दे रही है कोई और मसला है हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि वो मसला क्या हो सकता है तो आप इसके आंसर में लिखेंगे द कनेक्शन माइट बी लूज ये जो कनेक्शन है एक्स और वाई हो सकता है कि ये कनेक्शंस लूज हो जब हमने उनको वायर के साथ कनेक्ट किया हमने नहीं उस स्टूडेंट ने जब कॉपर वायर के साथ स्विच को कनेक्ट किया हो सकता है कि उसने लूजली कनेक्ट किया हो अगर वो उसको टाइट कर दे तो हमारा लैंप जल सकता है सेकेंड इज और द बैटरी माइट बी लो हमने देखा कि हमारे पेटस में हमने बैटरी कनेक्ट की थी अब हो सकता है कि ये बैटरी लो हो तभी हमारा लैंप जो है वो लाइट नहीं कर रहा ऑन नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है ही शुड टाइटन द कनेक्शन वो कनेक्शन को टाइट करें और चेंज द बैटरी या बैटरी को चेंज करके देखे हो सकता है कि ये दो अमल करने से उसका जो जो अपरेटस है है वो वो कंप्लीट हो जाए सर्किट काम करना शुरू हो जाए और जो लैम्प है वो लाइट हो जाए सो दीज वर दी आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ योर टेक्स बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फोर हमारे जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं हम वो सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है अल्लाह हाफिज